हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेस्ली आइस गेमिंग एंड रेसिडेंट एविल 9 के रिलीज डेट से रिलेटेड एक बड़ा न्यूज लीक हुआ है, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गेमिंग इंडस्ट्री के फेमस लीकर डस्ट गोलम को तो आप लोग जानते ही हैं, वो बहुत ही फेमस लीकर है गाइस, और गेमिंग प्रोजेक्ट्स और रेसिडेंट एविल प्रोजेक्ट से रिलेटेड पास्ट में भी उसने काफी सारे इन्फॉर्मेशन लीक किए थे जो कि एक्यूरेट निकले। तो बेसिकली कुछ दिन पहले डस्ट गोलम ने कुछ ट्वीट्स किए थे रेसिडेंट एविल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें रेसिडेंट एविल 9 का रिलीज डेट भी मेंशन था। तो या उसने गलती से किया इंटेंशनली ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कैपकॉम की तरफ से कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन अगर हम लोग डस्ट गोलम का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसने पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेसिडेंट एविल प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसने जो न्यूज़ लीक किए थे वो सारे के सारे एक्यूरेट निकले, तो हम इसे भी एक्यूरेट मानते हुए चल सकते हैं। तो आप ट्वीट देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है। डस्ट गोलम के अकॉर्डिंग रेसिडेंट एविल 9 रिलीज होने वाला है या तो 2025 एंड में या तो 2026 एंड में। तो अगर ऐसा है तो 2024 के एंड में ही कैपकॉम शायद हमें एक टीजर या फिर अनाउंसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज बता सकते हैं। गाइस, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस 9 जून को अभी होने वाला है समर गेम फेस्ट। एंड समर गेम फेस्ट तो आप जानते ही है कितना बड़ा गेमिंग इवेंट होता है, इसमें सारे के सारे गेमिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े पब्लिशर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन सारे पब्लिशर्स के साथ कैपकॉम भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो हम सब जानते ही हैं कैपकॉम अभी तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड, तो वो ऑब्वियसली मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट टीजर या फिर अनाउंस डेट वो रिलीज कर सकते हैं रेसिडेंट एविल 9 प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो गाइज, ये तो था रेसिडेंट एविल 9 के रिलीज डेट से रिलेटेड। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एंड हाँ गाइज, मैं अभी रेसिडेंट एविल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ। वो वीडियोस एपिसोडिक वीडियोस होने वाले हैं, जिसमें मैं कैरेक्टर के बैक स्टोरी से रिलेटेड, रेसिडेंट एविल के कुछ मिस्ट्रीज से रिलेटेड एंड बैक स्टोरी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वीडियो में अभी काम कर रहा हूँ, एशली ग्रैहम अभी कहाँ है। तो जो सबसे पहला वीडियो है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है एशली ग्रैहम के ऊपर। एशली ग्रैहम तो आप लोग जानते ही हैं, प्रेसिडेंट की डॉटर है एंड रेसिडेंट एविल 4 के इवेंट्स के बाद वो हमें देखने को ही नहीं मिली है। तो क्या वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी? एशली ग्रैहम कहाँ है? तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, एशली ग्रैहम है, जुड़े रहिए नेस्ली आइस गेमिंग के साथ। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। पीस।